सॉलिड का स्वागत है पिक्सट के नए ट्यूटोरियल में। एड इस वीडियो में कुछ इस प्रकार महादेव फोटो एडिंग ट्यूटोरियल आ चुका हूँ। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो के। एंड इस वीडियो में सबसे पहले तो बैकग्राउंड की जरूरत होगी, तो बैकग्राउंड का डाउनलोड वीडियो का आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस फोटो को सबसे पहले तो पिक्स आर्ट में शेयर कर लेते हैं। एंड शेयर हो जाने के बाद सबसे पहले तो देख लीजिए इस प्रकार ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद ऐड फोटो पर जाएंगे एंड मॉडल पेज को ऐड कर लेंगे, देख लीजिए कुछ। एंड मॉडल का बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा हूँ, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड इसको कुछ यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, देख लो कुछ इतना। एंड एडजस्ट हो जाएंगे सबसे पहले तो इसका शर्ट का कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले फिल्टर में जाएंगे, इफेक्ट में, एंड यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे एंड कलर्स में जाकर यहाँ से रेड कलर के ऊपर पॉइंट कर लेंगे, जिस कलर का चेंज करना है उसको ऊपर पॉइंट कर लेंगे। एंड इस कलर का चेंज करके ऊपर वाला सबसे पहले तो 100 करेंगे, मतलब फुल करेंगे। एंड इसको देख ले कुछ इतना पकड़ कर रख देंगे एंड इसको इतना पकड़ कर रख देंगे। एंड इरेज वाला ऑप्शन पे जाएंगे ऊपर एंड इन्वर्ट कर देंगे एंड शर्ट के ऊपर अप्लाई कर देना होगा, ब्रश लेकर हार्डनेस को 100 पर रख के शर्ट के ऊपर पूरे अप्लाई कर देते हैं, देख लीजिए कुछ इतना आपको भी करना है ताकि शर्ट का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो देख लीजिए कितना। एंड इसको हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि वीडियो का लेंथ लंबा ना हो। ऑलराइट गाइस, तो देख ले कुछ इस प्रकार आपको दिखने को मिलेगा, तो इसको डन कर लेते हैं हम, देख ले कुछ इतना। एंड इसको डन करने यहाँ पर सेट कर देते हैं एंड इसको डन करके एड फोटो पर जाएंगे फिर से एंड इस बार एक PNG को ऐड करेंगे। एंड इस PNG का डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसको जूम आउट करेंगे कुछ इतना आपको, एंड यहाँ पर जूम आउट करके सेव कर देंगे यहाँ से, एंड यहाँ से डन कर लेंगे सेकंड क्लिक करके। एंड फिर से एड फोटो पर जाएंगे एंड एक और PNG को ऐड करेंगे, देख लीजिए PNG को ऐड कर लेते हैं। एंड इस PNG को राइट साइड में यहाँ पर कॉर्नर के पास सेव करना होगा, देख लीजिए कुछ इतना। एंड हो जाने के बाद सबसे पहले एक और एयर फोटो पर जाकर एक और PNG को ऐड करेंगे एंड इस PNG को कुछ ऊपर यहाँ पर एडजस्ट करके फिर सबसे पहले ब्लेंडिंग को स्क्रीन पर सेट करेंगे एंड इसको ऊपर यहाँ पर सेट कर देते हैं, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इतना हो जाने के बाद तो सबसे पहले एक और एयर फोटो पर जाएंगे एंड एक और PNG को ऐड करेंगे एंड इस PNG को राइट साइड में यहाँ पर कॉर्नर के पास एडजस्ट कर देंगे। देन इतना जगह डन करेंगे फोटो को एंड मेरा फोटो रेडी हो गया। तो सबसे पहले तो इसके टूल में जाएंगे एडजस्ट एंड यहाँ से एडजस्ट में जाएंगे एंड यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस को छेड़ेंगे एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड क्लैरिटी को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे कुछ इतना एंड हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे, थोड़ा सा करेंगे एंड टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे कुछ इतना ताकि येलो टोन आ जाए। एंड डन कर लेंगे फोटो को एंड इफेक्ट में जाएंगे थोड़ा सा एंड यहाँ से इफेक्ट्स में जाएंगे एंड सबसे लास्ट में देखिए कुछ विंटेज का ऑप्शन एक दिखेगा एंड इसको क्लिक करके सीन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से साइज को तो 100 के पास रखेंगे एंड फेंट को 80 से 90 के बीच में रख देंगे, देखिए कुछ इतना में रख लेते हैं एंड फोटो को डन करते हैं। फोटो मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया, तो इसको फोटो को ड्रॉ टूल में जाकर सेव कर लेते हैं एंड यहाँ से सेव करने पर क्वालिटी इसकी घटती नहीं है एंड यहाँ से सेव कर लेते हैं। एंड इस वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कर, तब तक के लिए गुड बाय।